हाय वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आते हैं डायरेक्ट अपने इंटरव्यू की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यार, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये। तो वीडियो को जो टाइटल है वो है वीजा फ्री कंट्रीज फॉर इंडियन, टॉप 10 कंट्रीज वेयर इंडियन कैन ट्रेवल विदाउट वीजा। मतलब ऐसी कंट्रीज बताई गई है जहां पर इंडिया वीजे के बाहर ट्रैवल कर सकता है। तो आज पता लगे मतलब वीजे के बाहर ट्रैवल करना, मतलब फ्रेंड कंट्रीज जो होती हैं वही देती हैं इस तरह। लाजमी बात है, और कौन देता है। तो देखते हैं यार कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां इंडियंस मजे कर सकते हैं वीजे के बिना पर, मतलब वीजे के बगैर। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1। टॉप 10 हिंदी का वीडियो, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। थैंक गॉड, स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। हाँ, हेडफोन्स लगा लो। बिना वीजा के भारतीय जा सकते हैं ये टॉप 10 देश। हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 ऐसे देशों की जहां भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। और आप बिना वीजा के इन देशों में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। हालांकि आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके पास कोई भी सरकारी कार्ड होना चाहिए और साथ ही उस देश का मुद्रा भी। तो आइए देखते हैं। एक, नेपाल। नेपाल भारत के बहुत ही करीब है। इस देश में भारतीयों के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय बिना वीजा के केवल घूम ही नहीं बल्कि काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप रह भी सकते हैं, लेकिन आपके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। हाँ, मतलब भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होने के कारण ये संभव हुआ है। सन 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप के चलते दोनों देशों में आज तक भी शांति कायम है और ये देश एक दूसरे के परम मित्र है। इसलिए भारतीय आराम से नेपाल जा सकते हैं और उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। हिंदी भी बोलते हैं। बावन पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर सुंदर वादियां हैं जिसे देखने के लिए हर साल कई भारतीय जाते हैं। नेपाल मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत भी अधिक है। तो अगर आप अगली बार बाहर जाने का सोच रहे हैं तो नेपाल सबसे सही जगह है। दो, मॉरिशियस। मॉरिशियस को एशिया के देशों में सबसे सुंदर देश माना जाता है। यहाँ पे हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ पे आप सुंदर वाटरफॉल्स, प्रकृति, नीला पानी का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो मॉरिशियस आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत देश को जाने के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। मॉरिशियस का भारत के साथ अच्छे संबंध है और यही कारण है कि आप मॉरिशियस सिर्फ पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं। मॉरिशियस एयरपोर्ट पहुँचने पे आपके पासपोर्ट पे 60 दिन के लिए अनुमति दी जाएगी इस देश में रहने के लिए। मतलब रह सकते हो। सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास भारत वापस आने के लिए रिटर्न टिकट होना चाहिए। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, आप 60 दिन तक बिजनेस ट्रिप पे भी मॉरिशियस जा सकते हैं। बात है। नाइस। तीन, भूटान। भूटान बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा। ये एक तरफ से सिक्किम से जुड़ा हुआ है, छोटा भाई है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पे भी आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है और आराम से भूटान में घूम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये भी जान लें कि भूटान जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको अपने साथ पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जो कि कोई भी भारतीय सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो सकता है, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड हो सकता है। साथ ही आप भूटान में भारत के 500 और 2000 वाले नोट नहीं चला सकते, इसलिए आपको भूटान के मुद्रा में ही पैसे खर्च करने हैं। भूटान हिमालयस के पूर्वी हिस्सों के लिए मशहूर है और साथ ही बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए भी। चार, हाइटी। हाइटी से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हाइटी के बारे में सुना होगा। जी हाँ, हाइटी एक कैरेबियन देश है जो डोमिनिक रिपब्लिक के पास स्थित है। ये एक द्वीप जैसा है जिसके चारों ओर पानी है और इसलिए यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये एशियाई देश ना होने के बावजूद भी यहाँ पे भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है और $10 का फीस भरना है। बस उसके बाद आप हाइती में कहीं भी घूम सकते हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में ज्यादा अंतर ना होने के कारण आपको इस देश में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। पांच, जमैका।
डॉल्फिन बहुत प्यारा है। गाना ऊंचे पहाड़ ये सब पसंद है तो जमैका आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। हाइती की तरह जमैका भी एक कैरेबियन देश है और यहाँ का संगीत दुनिया भर में काफी मशहूर है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भारतीय पर्यटक बिना वीजा के आसानी से घूम सकते हैं। जी हाँ, दरअसल भारतीयों के लिए 30 दिन तक जमैका में रहने और घूमने के लिए वीजा नहीं चाहिए, मगर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और एयरपोर्ट में पासपोर्ट पे वहाँ के ऑफिशियल्स स्टैम्प कर देंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट ही वीजा की तरह काम आएगा और आप बड़े आसानी से जमैका में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि बाकी देशों की तरह यह इतना सुरक्षित नहीं है। छह, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये कहाँ पे है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक द्वीप है जो वेनेजुएला देश के पास स्थित है। अच्छा, ये देश कार्निवल आयोजन करने के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। इसके साथ ही अगर आप पशु पक्षी के प्रेमी हैं, तो ये जगह आपको जरूर जाना चाहिए। इस देश में भारतीयों को बिना वीजा के जाने की अनुमति है लगभग 90 दिनों के लिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा हो। इसके साथ ही आपके पास दाखिल हो सकते हैं। बैंकॉक सबसे ज्यादा इंडियन नियम सिर्फ पर्यटक के लिए नहीं बल्कि काम के सिलसिले पे जाने वाले लोगों पे भी लागू होता है। पार्टी लाइफ बहुत पसंद है इनको। एक्वाडोर। एक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है और गैलापागोस द्वीप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ तक कि अमेज़न जंगल का एक हिस्सा इसी देश के अंदर भी आता है। अब जब बात अमेज़न जंगल की हो रही है तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप यहाँ क्या देखने के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। यहाँ आपको दुर्लभ जीव देखने को मिलेंगे और आप अमेज़न की सैर भी कर सकते हैं। भारतीयों के लिए खुशी की बात ये है कि बिना वीजा के आप यूकेडोर में 90 दिन रह सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। 8, माइक्रोनेशिया। हाइती की तरह माइक्रोनेशिया का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि पैसिफिक महासागर में ये देश बसा है और यहाँ पे लगभग 400 द्वीप हैं। इस जगह का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और अपने एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर पर्यटक आते जाते रहते हैं और ये बहुत ही साफ देश है। भारत के लोगों के लिए यहाँ पे बिना वीजा की अनुमति है लगभग 30 दिनों के लिए। बस एक बार आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है कि कहीं जल्दी उसकी समाप्ति की तारीख तो नहीं है। यहाँ पे सरकार ने ये नियम बनाया है कि पासपोर्ट आपकी 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। 9, सर्बिया। सर्बिया यूरोपीय पेनिनसुला में स्थित एक देश है जहाँ पे भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। ये देश में आप रोमन आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक जगह है और आपको यहाँ पे बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे। यूरोप में शायद ये एक ऐसा देश है जिसमें भारतवासियों को वीजा नहीं चाहिए होता। आप यहाँ पे बिना वीजा के आराम से 30 दिन तक रह सकते हैं। 10, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हर साल भारतीय पर्यटक के रूप में जाते हैं। ये देश भारत के काफी करीब है और आप कम खर्चे में एक अच्छी जगह घूम सकते हैं। इंडोनेशिया में वोल्केनो से शुरू करके पशु पक्षी और यहाँ तक कि उनका संगीत पूरी दुनिया में मशहूर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा देश है। यही कारण है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या भी अधिक है। बाली जाओ, देश खास स्वागत करता है क्योंकि आप यहाँ पे 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं और इसकी गिनती तब से शुरू होती है जिस दिन आप एयरपोर्ट में पहुँचते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 देश जहाँ भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये बहुत ही कॉसम वीडियो थी और भाई आपको मैं बोल रहा था ना, पार्टी लाइफ इंडियंस पार्टी लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं। तुमने जब बोला ना, पार्टी लाइफ हद से ज्यादा पसंद है। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको पार्टी लाइफ पसंद है कि नहीं। भाई ये मतलब इंडिया मोस्टली इंडियन बैंकॉक सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले। ये मैंने व्लॉग वगैरह में देखा, जिस इंडियन से पूछो कहता है बैंकॉक। मतलब मैंने कहा सही है भाई। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी बैंकॉक कहते हैं। सबसे पहले हम बैंकॉक से शुरू करते हैं। ठीक ठीक। स्टार्ट ही बैंकॉक से। वैसे भी घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं इंडियंस। और भाई नेपाल तो नेपाल का तो सबको पता है। ये भी प्यारे भाई सारे कंट्रीज बहुत प्यारे हैं। जमैका हो गया, और हाइटी का नाम भाई ने नहीं सुना होता, मैंने सुना होता। मैंने वो टबाको वाले का नाम नहीं सुना था बस।
और हाँ, सारे वो मतलब वो आइलैंड में जो है इस तरह का। और दूसरा ये कि उस भूटान का भी बता रहे थे यार, सारे मतलब भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सर्बिया, यार कमाल है यार, सारे जगह वीजे के। हाँ नाइस यार, बहुत मतलब आपको उधर जाओ और एंजॉय करो। और जो भी इन्होंने मुल्क बताए बड़े प्यारे मुल्क है, नेचर उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, ग्रीनरी कूट कूट के यानी फुल भरी हुई है भाई, हर चीज है उन कंट्रीज में। जो ये कंट्री बताया ना, नेचर वाइज और पार्टी लाइफ कंट्रीज है, और मतलब एंजॉय कर सकते हो आप लोग सीरियस बहुत ज्यादा बिल्कुल। और वो आइलैंड वाले देश तो इंडिया को वैसे भी पसंद है बहुत भाई। एक मजे की वीडियो थी सच में, वाकई वाकई बड़ी कमाल की वीडियो थी यार। इसके बारे में हमें मतलब एक दो देशों का तो हमें पता था, जिस तरह पहले नेपाल का के उधर जा सकते हैं, वो आते हैं, वो रहते हैं इंडिया में। भूटान का मुझे पता था, बाकी देशों का मुझे नहीं पता था। इनका एक आइडिया था कि इनका होगा होगा, लेकिन बाकी देशों का मुझे नहीं पता था, अंदाजा नहीं था। हो सकते हैं और भी ज्यादा हो, और भी अभी और कंट्री भी कितने ज्यादा हो जहाँ पर इंडियन जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो और अपडेट हुई होगी लिस्ट, हमें तो ये वीडियो मिली है। तो यार मतलब ऐसी है कि इंडियंस के लिए काफी उनका पासवर्ड वैसे भी भाई इतना स्ट्रांग होता जा रहा है। असल में उनका पासवर्ड पासपोर्ट जो है ना, सॉरी पासपोर्ट स्ट्रांग भी बहुत है। दूसरी बात यह है कि उनके ताल्लुकात अभी बहुत अच्छे हो गए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, बहुत मतलब अच्छे, उसकी वजह से वो इसलिए बहुत अच्छे दे रहे, क्योंकि दूसरे देशों के साथ इंडिया इतने मतलब प्यार से रह रहा है, इतने प्यार उनके ताल्लुकात आप इसमें इतने बढ़ गए हैं, जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों को अभी वैक्सीन फ्री में दे रहा है, इस तरह यानी ऐसे मतलब उन्होंने तो वो कंट्री वो किस तरह नहीं अभी देखो फ्री में गिफ्ट कौन कंट्री देता है, वैक्सीन इंडिया दे रहा है उनको, तो मतलब काफी लोगों को मतलब अभी काफी कंट्रीज जो है उनकी काफी अच्छी मतलब हर किसी के साथ बना के इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इजली अब क्या पता फॉरन ऐसे टाइम आ जाए कि इंडिया के लिए हर कंट्री विजिट करना फ्री हो जाए। बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता बगैर ऐसा मुझे लग रहा है कि चंद सालों में ये तो सिर्फ हमें 10 कंट्रीज दिखाए गए, ये इनकी तादाद डबल ट्रिपल होने वाली है मुझे लग रहा है। जिस तरह इंडिया जिस तरह लोगों के साथ मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए, तो मुझे लग रहा है सऊदी अरब भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा भी कंट्री हो गए ऑलरेडी। तो गाइज आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।